श्रीराम समर्थ फरवरी 12। नाम ही सत्स्वरूप है, नाम रूप की अपेक्षा निश्चित श्रेष्ठ है। उसके कारण रूप का ध्यान मन में साकार नहीं हो पाया तो भी नाम छोड़ना नहीं चाहिए। भविष्य में रूप अपने आप प्रकट होगा। रूप जड़ और दृश्य है, इसलिए उत्पत्ति स्थिति और विनाश, बढ़ना और घटना, जगह व्यापना और जगह बदलना, कालानुसार फर्क होना आदि बंधन उसे है। किंतु नाम दृश्य के परे हैं। नाम सूक्ष्म है, इसलिए उसे उत्पत्ति विनाश वृद्धि और क्षय, देशकाल की सीमा आदि कोई विकार नहीं है। नाम सत्स्वरूप है, नाम रूप से अधिक व्यापक है। जो वस्तु अधिक व्यापक होती है, जिसका विस्तार अधिक होता है, उसमें शक्ति भी अधिक होती है। जिसमें अधिक शक्ति है वह चीज अधिक स्वाधीन होती है। जो वस्तु अधिक स्वतंत्र होती है उसे सीमाएं नहीं होती, उसे बंधन कम होते हैं। अतः नाम रूप की अपेक्षा अधिक व्यापक, अधिक शक्तिमान, अधिक स्वतंत्र, अधिक बंधन मुक्त होता है। हम यह जान लेंगे कि ज्ञान प्राप्त होने की क्रिया किस प्रकार चलती है। किसी एक टीले पर खड़े होकर हमने प्रकृति का सुंदर दृश्य देखा। दृश्य देखने की क्रिया में कौन कौन सी बातें घटती हैं? पहले आंखों के भीतर प्रकाश किरण पहुंचे। बाह्य पदार्थों का ज्ञान होने के लिए प्रथम साधन इंद्रियां हैं। इंद्रियों के द्वारा भीतर जो परिणाम होते हैं उन्हें मन वस्तु का रूप देता है। जब वस्तु का स्वरूप दिखाई देता है तब बुद्धि उसका यथार्थ ज्ञान करा देती है। लेकिन बुद्धि का कार्य यही नहीं रुकता। हम टीले पर पहुंचते हैं और सृष्टि का अवलोकन करते हैं, तब हमें वृक्ष, लताएं, घर, बाग, मनुष्य, पक्षी, तालाब आदि दिखाई देते हैं। इन सब का एक विशाल रूप बनता है। तब ऐसा हमें ज्ञान होता है कि यह प्रकृति का सौंदर्य है। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य की प्रवृत्ति अनेकत्व में एकत्व ढूंढने की है। इस विश्व में बहुत विविधता है। विभिन्न प्रकार के पत्थर, कीड़े, पक्षी, प्राणी हम देखते हैं। इन सब के नाम अलग अलग हैं, फिर भी इन सब में अस्तित्व है। चाहे वे प्राणी हो, सजीव हो या निर्जीव हो। इतना ही नहीं, आनंद की भावना है फिर भी उसका अस्तित्व है। इसी अस्तित्व के गुण को ही नाम कहते हैं, इसी को ओंकार कहते हैं। ओंकार से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। ओंकार परमात्मा का ही रूप है, अर्थात नाम यानी सत्य। इसीलिए नाम सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। सृष्टि का लय होगा तो भी नाम बचेगा ही। नाम यानी ईश्वर। नाम से ही अनंत रूप बनते हैं और उसी में विलीन होते हैं। रूप नाम से अलग हो ही नहीं सकता। नाम रूप को व्याप्त करके भी शेष बचता है। आज का मुख्य विचार, नाम शाश्वत है। यह पहले टिका था, अब भी है। हमारे मिटने पर भी वह शेष रहेगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.